तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जे एस चलान। आज के इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी से संबंधित कुछ ऐसे वन लाइनर क्वेश्चंस जो आपके बीए पार्ट टू एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी चांसेस है। जो इस बार 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो है पूछे जाने की काफ़ी चांसेस है, तो आप लोग जो है वीडियो में अंत तक बने रहें और याद करने की जो है कोशिश करते रहिएगा। अभी जो मैं क्लास करवा रहा हूँ इसके समय ही जो है इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो बेटर रहेगा, और उसके बाद जो है एक बार जो एग्ज़ाम से पहले आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। चलिए तो पहले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थार भूमि कहाँ स्थित है। थार भूमि जो है कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है गाइस, राजस्थान। कहाँ स्थित है थार भूमि, राजस्थान में स्थित है। अब क्या बोलेंगे, थार भूमि कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, याद रखना है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को जो है स्पर्श करता है, तो इसका सही जवाब हो जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है इसका राइट आंसर रहेगा, यूपी जो आप बोलते हैं ये सही जवाब रहेगा, ठीक है। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो भारत के किस राज्य में है आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में, तो आप क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर जो है इसका राइट आंसर रहेगा। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, जम्मू कश्मीर, याद रखना है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर बोलेंगे, ठीक है। वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है। दक्कन पास जो है वो किसके बीच स्थित है, तो ये बताना है, तो इसका सही जवाब हो जाता है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में जो है स्थित है। दक्कन पास किसके मध्य स्थित है भाई, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान जो है इसके मध्य में जो है स्थित है, कौन, दक्कन पास, ठीक है। दक्कन पास जो है स्थित है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य, याद रखना है। वहीं पर अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का कौन सा राज्य चीन नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है। भारत का कौन सा राज्य है जो चीन नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है, तो इसका सही जवाब हो जाता है सिक्किम। कौन सा राज्य भाई, सिक्किम जो है इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे सिक्किम, ठीक है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, इलाहाबाद हरिद्वार कानपुर पटना वाराणसी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाता है, गंगा नदी, ठीक है। कौन सा नदी भाई, गंगा नदी। इलाहाबाद हरिद्वार कानपुर पटना वाराणसी ये सभी शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, गंगा नदी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुकवा घाट डिब्रूगढ़ गुवाहाटी शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कौन सी नदी भाई, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ठीक है। सुकवा घाट जो है और डिब्रूगढ़ गुवाहाटी शहर ये सभी कहाँ पे स्थित है, कौन से नदी के किनारे, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, पाकिस्तान, ठीक है। जब मैप आपको पढ़ाऊँगा उस समय आपको पूरी डिटेल में जो है बताऊँगा कि भारत के पश्चिम दक्षिण उत्तर में क्या क्या स्थित है, कौन कौन से देश है, कौन कौन से राज्य है, ठीक है। सभी को हम जो है एक्सप्लेन करेंगे जब मैप का जो है आप लोग अध्ययन करेंगे, तो ठीक है। चलिए तो अभी के लिए ये क्वेश्चंस याद रखना है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। कहाँ पे भाई, इलाहाबाद के समीप स्थित है, ठीक है। भारत का प्रमाणिक समय कहाँ स्थित है, इलाहाबाद के समीप, याद रखना है। वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है गाइस, आठ राज्यों से। कितने राज्यों से, आठ राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा रेखा, कर्क रेखा, ठीक है। कौन सा रेखा भाई, कर्क रेखा, याद रखना है सभी को। कर्क रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है भाई, आठ राज्यों से, याद रखना है। चलिए वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है, तो इसका सही जवाब हो जाता है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है, याद रखना है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से यानी कि बीच से होकर गुजरती है, तो इसका सही जवाब हो जाता है कर्क रेखा। कौन सी रेखा भाई, कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा, याद रखना है। चलिए
वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है, है ना, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है भाई। तो इसका सही जवाब हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है इसका सही जवाब हो जाता है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किससे होकर कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। तो इसका सही जवाब हो जाता है उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है, याद रखना है। वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या करता है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो ग्रीक भाषा जो है इसका सही जवाब हो जाता है, कौन सी भाषा भाई, ग्रीक भाषा, याद रखना है ग्रीक भाषा जो है इसका राइट आंसर रहेगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, भारत में निम्नलिखित में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, किसकी तटरेखा जो है सबसे लंबी है ये बताना है, किसकी भाई। तो इसका सही जवाब हो जाता है गुजरात, याद रखना है गुजरात जो है इसका सही जवाब रहेगा। भारत में निम्नलिखित में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात जो है इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखना है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। तो इसका सही जवाब हो जाता है जम्बू द्वीप, याद रखना है जम्बू द्वीप जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है, भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, याद रखना है सभी को, तो भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है सियाचिन, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा गाइज, सियाचिन जो है इसका सही जवाब रहेगा, याद रखना है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वो क्या कहलाता है, जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वो क्या कहलाता है भाई। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑक्साइन चीन, है ना, क्या कहलाता है, ऑक्साइन चीन कहलाता है, याद रखना है। जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है वो क्या कहलाता है, ऑक्साइन चीन कहलाता है, याद रखना है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सतपुरा की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, सतपुरा की पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में है। तो बताना है, इसका सही जवाब हो जाता है मध्य प्रदेश, किस राज्य में भाई, मध्य प्रदेश में, याद रखना है। सतपुरा की पहाड़ी जो है किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सैंडल पीक जो है इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखना है सैंडल पीक, ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है, सैंडल पीक याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्यों का क्रम क्या है, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के तीन बड़े राज्य का क्रम जो है वो क्या है, सही क्रम। तो इसका सही जवाब हो जाता है पहले नंबर पे राजस्थान, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, है ना, याद रखना है। वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है, मैकान का पठार जो है भारत के किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब हो जाता है छत्तीसगढ़ में, है ना, मैकान का पठार जो है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, किस राज्य में है भाई मैकान का पठार, छत्तीसगढ़ आप बोलेंगे, ठीक है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटा नागपुर किसका नाम है, छोटा नागपुर किसे कहा जाता है गाइज, इसका सही जवाब क्या होगा, छोटा नागपुर किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाता है रांची का पठार जो है इसका सही जवाब रहेगा, छोटा नागपुर कहा जाता है तो रांची का पठार जो है आप बोलेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अन्नाई मुड्डी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाता है 2695 मीटर, कितना मीटर भाई, 2695 मीटर, ठीक है, इसका सही जवाब हो जाता है अन्नाई मुड्डी नामक चोटी जो है उसकी ऊँचाई कितनी है, तो 2695 मीटर, याद रखना है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है भाई। तो इंदिरा कॉल जो है इसका सही जवाब हो जाता है, क्या,
इंदिरा कौल, याद रखना है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है, तो आदम का पुल जो है इसका सही जवाब हो जाता है, आदम का पुल, याद रखना है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है, झांसी नगर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश जो है इसका सही जवाब हो जाता है, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, तो मालाबार तट जो है इसका सही जवाब हो जाता है, क्या बोलेंगे आप, मालाबार तट, मंगलोर से कन्याकुमारी तक का जो तटीय क्षेत्र है उसे हम क्या बोलेंगे, मालाबार तट बोलेंगे, ठीक है। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। किस राज्य में स्थित है पीर पंजाल सुरंग, तो आप क्या बोलेंगे, जम्मू कश्मीर, ठीक है। आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, ठीक है। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि इस सभी क्वेश्चंस को आप रेडी कर लिए होंगे, याद हो गया होगा, एग्ज़ाम में पूछे जाने की इस बार काफ़ी चांसेस है, तो इसे आप रेडी ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए, नमस्कार।